नमस्कार मित्रों, पिछले वाले वीडियो में हमने ह्यूमन के इवोल्यूशन की हिस्ट्री के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस के बारे में डिटेल में बात कर ली थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रांसिस के बारे में जानेंगे, जो कि एनामेंसिस के बाद आता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रांसिस के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करें। '30 की शुरुआत में ईस्ट अफ्रीका से 3.8 से 2.9 मिलियन ईयर्स पहले के एंशियंट होमिनिन के अवशेष बरामद किए गए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में 1920s और 40s में ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकेनस के फॉसिल्स खोजे जा रहे थे। सबसे पहले ह्यूमन फॉसिल्स को जर्मन एक्सप्लोरर कोल लार्सेन ने 1939 में गेरूसी रिवर के पास खोजा था, गेरूसी रिवर लेटोली के पास तंजानिया में। 1948 में जर्मन पेलियोन्टोलॉजिस्ट एडविन हेनिंग ने इसे एक नए जीनस प्रियंथ्रोपस में क्लासिफाई करने का सुझाव दिया, लेकिन वे स्पीसीज का नाम नहीं दे पाए। 1950 में जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हांस वेनेट ने इसे मैग्नेथ्रोपस अफ्रीकेनस में क्लासिफाई करने का सुझाव दिया, लेकिन इसे इग्नोर कर दिया गया। 1955 में एमएस सेन्यूरेक ने इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी प्रियंथ्रोपस अफ्रीकेनस रखने का सुझाव दिया। 1973 में IARE टीम ने पहले नी जोन AL129-1 का पता लगाया और बाइपेडलिज्म का सबसे पहला एग्जाम्पल दिखाया। बाइपेडलिज्म यानी जो दो पैरों से चल सकते हैं। 1974 में जोहानसन और ग्रेजुएट स्टूडेंट टॉम ग्रे ने वेल प्रिजर्व्ड स्केलेटन AL288-1 की खोज की, जिसे आमतौर पर लूसी कहा जाता है। 1967 बीटल्स सॉन्ग लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया था, जो उस समय उनके टेप रिकॉर्डर पर चल रहा था। 1975 में IARE ने 216 स्पेसिमेंस रिकवर किए, जिसमें से 13 इसी से बिलोंग करते थे। 1976 में लिकी और उनके सहयोगी ने फॉसिल ट्रैकवे की खोज की। 1978 में जोहानसन टीम डी वाइट और कोपेंस ने हेदर और लेटोली से अब तक कलेक्ट किए गए सैकड़ों नमूनों को एक नई स्पीसीज ए अफ्रांसिस में क्लासिफाई किया। स्पीसीज का नाम इथियोपिया के अफार रीजन से रिलेटेड है, जहां से अधिकांश नमूने रिकवर किए गए थे। ए अफ्रांसिस केवल ईस्ट अफ्रीका से जाना जाता है। लेटोली और अफार रीजन के अलावा स्पीसीज को केन्या में कुबीफोरा और पॉसिबली लोथागम में रिकॉर्ड किया गया है, और इथियोपिया में वोरांसोमिल माका बेलोडेली लेडी गेरारू और फेजेज में। फ्रंटल बोन फ्रेगमेंट मिडिल आवाज से BELVP 1/1 जो 3.9 मिलियन ईयर्स पहले का है। एज के बेस पर इसे ए एनामेंसिस में असाइन किया गया, लेकिन हो सकता है ए अफ्रांसिस में असाइन किया गया हो, क्योंकि उसकी वजह पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन है। ए अफ्रांसिस और ए एनामेंसिस कम से कम 1 लाख ईयर्स तक को एग्जिस्ट रहे। 2005 में स्कल और बॉडी एलिमेंट्स का प्रिजर्व सेकेंड एडल्ट स्पेसिमेन AL438-1 हेदर में खोजा गया था। 2006 में एक छोटे बच्चे का पार्शियल स्केलेटन DIK-11 अफार रीजन में डिडिका से खोजा गया था। 2015 में एक एडल्ट पार्शियल स्केलेटन KSD-VP1/1 ओरांसो मिल से रिकवर किया गया था। एक लंबे समय के लिए ए अफ्रांसिस 4.4 मिलियन ईयर्स ओल्ड आर्डिपिथेकस रेमिडस के 1994 के डिस्क्रिप्शन तक सबसे पुराना नॉन अफ्रीकेनस ग्रेट एप था। इसके साथ साथ 1995 में 4 मिलियन ईयर्स ओल्ड ए एनामेंसिस, 2001 में 3.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड केन्यांथ्रोपस प्लेटियोप्स, 2001 में 6 मिलियन ईयर्स ओल्ड ओरोरिन टुगेंसिस और 2002 में 7 से 6 मिलियन ईयर्स ओल्ड साइएंथ्रोपस चेडेंसिस है। बाइपेडलिज्म को ऐसा माना जाता था कि ये ऑस्ट्रालोपिथेसिस में इवोल्व हुआ था, लेकिन अब ये माना जाता है कि ये हैबिचुअली एर्बोरियल प्रीमेट्स में बहुत पहले इवोल्व होना शुरू हो गया था। ए अफ्रांसिस अब वाइडली एक्सेप्टेड स्पीसीज है, और अब यह जनरली सोचा जाता है कि होमो और पेरेंथ्रोपस ऑस्ट्रालोपिथेकस से निकलने वाली सिस्टर टेक्सा है, लेकिन ऑस्ट्रालोपिथेकस स्पीसीज का क्लासिफिकेशन ऑर्डर में नहीं है। यह क्लियर नहीं है कि ऑस्ट्रालोपिथेकस की कोई भी स्पीसीज एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, लेकिन जनरली यह सोचा जाता है कि ए एनामेंसिस की पॉपुलेशन ए अफ्रांसिस में इवोल्व हुई थी। 1996 में कोरोटोरो 3.6 मिलियन ईयर्स पुराना जबड़ा, जिसे मूल रूप से ए अफ्रांसिस में क्लासिफाई किया गया था, लेकिन उसको एक नई स्पीसीज ए बाहरल गजाली में स्प्लिट कर दिया गया। 2015 में अफार रीजन में 3.5 से 3.3 मिलियन ईयर्स पुराने जबड़ों के नमूनों को एक नई स्पीसीज ए डेइरेमडा में क्लासिफाई किया गया। हालांकि ए बाहरल गजाली और ए डेइरेमडा की वैलिडिटी पर विवाद है। ए
फ्रांसिस का एक टोल फेस, एक डेलिकेट ब्रो रिच और प्रोग्नेथिज्म था। प्रोग्नेथिज्म मतलब उनका जबड़ा बाहर निकला हुआ था। सबसे बड़े स्कल्स में से एक AL-444-2 एक फीमेल गोरिला के स्कल के बराबर था। पहला कंप्लीट जो बोन 2002 में डिस्कवर किया गया था, जो AL-822-1 है। यह नमूना रोबस्ट गोरिला के जो बोन जैसा दिखता है। ओस्ट्रालोपिथ के मोलार्स आमतौर पर लार्ज और फ्लैट होते थे, जिनमें एनिमल ठीक होता था, जो हार्ट और ब्रिडल फूड को चबाने में मदद करता था। लूसी के ब्रेन का वॉल्यूम 365 से 417 सीसी था। AL-822-1 का लगभग 374 से 392 सीसी, AL-333-45 का लगभग 486 से 492 सीसी और AL-444-2 का लगभग 519 से 526 सीसी होने का अनुमान लगाया गया था। इन सबका एवरेज लगभग 445 सीसी बनता है। इन्फेंट जिनकी एज लगभग 2.5 साल थी, उनमें से DIK-11 के ब्रेन का वॉल्यूम 273 से 277 सीसी था और AL-333-105 का 310 से 315 सीसी था। मेजरमेंट्स का यूज करते हुए ए फ्रांसिस की ब्रेन ग्रोथ रेट चिंपांजीज के रेट की तुलना में मॉडर्न ह्यूमंस की ग्रोथ रेट के करीब थी। 1991 में अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेनरी मैक हेनरी ने लेग बोन्स के जॉइंट साइज को मापकर और उस साइज को पूरा करने के लिए एक ह्यूमंस को छोटा करके बॉडी साइज का अनुमान लगाया। ये मेल AL-333-3 के लिए 4 feet 11 inches निकला, जबकि लूसी 3 feet 5 inches थी। 1992 में उन्होंने अनुमान लगाया कि मेल्स का वेट आमतौर पर लगभग 44.6 केजी और फीमेल्स का वेट 29.3 केजी था। इस प्रोपोर्शन से पता चलता है कि ये एप के कंपैरिजन में ज्यादा ह्यूमंस जैसे थे। यही कंपैरिजन मॉडर्न ह्यूमंस में 1.22, चिंपांजीज में 1.37 और गोरिलास के लिए लगभग 2 है। लूसी मोस्ट कंप्लीट प्लियोसीन होमोनिन स्केलेटन्स में से एक थी, 40% से भी ज्यादा प्रिजर्व्ड, लेकिन वह अपनी स्पीसीज के छोटे नमूनों में से एक थी। लेटोली फोसिस ट्रैकवे S1, S2, G1, G2 और G3 के 5 मेकर्स के लिए मॉडर्न ह्यूमंस में फुटप्रिंट की लेंथ और बॉडीली डायमेंशंस के बीच रिलेशन के बेस्ड पर S1 का अनुमान ज्यादा है, लगभग 5 फीट 5 इंच टॉल और वेट 45 केजी, S2 4 फीट 9 इंच और 39.5 केजी, G1 3 फीट 9 इंच और 30 केजी, G2 4 फीट 8 इंच और 39 केजी और G3 4 फीट 4 इंच और 35 केजी था। इसी के बेस पर S1 मेल था और बाकी फीमेल्स थी। ए फ्रांसिस एडल्ट्स और मॉडर्न ह्यूमंस की हिल बोन बाइपेडलिटी के लिए सेम एडेप्शन से, जो ये इंडिकेट करता है कि उन्होंने चलने की एबिलिटी डेवलप कर ली थी। ए फ्रांसिस ओमनिवोर्स थे। 3.4 से 2.9 मिलियन ईयर्स पहले हेदर और डिडिका से दांतों पर कार्बन आइसोटोप एनालिसिस से पता चलता है कि वे ओमनिवोर्स थे। 2009 में डिडिका इथियोपिया में एक गाय के साइज का हुफ्ड एनिमल से रिलेटेड एक पसली का टुकड़ा और एक गोट की साइज का जुवेनाइल बोविट का पार्शियल फेमर कट मार्क्स और क्रश हुए पाए गए, जिनसे पता चलता है कि यहाँ सबसे पहले स्टोन टूल्स का यूज किया गया था। और अगर ये सही है तो ये 3.4 मिलियन ईयर्स पुराने तेज धार वाले स्टोन टूल्स के यूज का सबसे ओल्ड एविडेंस होगा। अर्ली ह्यूमनिन के ग्रुप के बारे में अनुमान लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये अफ्रांसिस को आमतौर पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के हाई लेवल के साथ रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसमें मेल्स फीमेल्स की तुलना में काफी बड़े होते हैं। मॉडर्न प्रीमेट्स के जनरल ट्रेंड्स को यूज करके हाई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आमतौर पर फीमेल्स पर इंटेंस मेल मेल कॉम्पिटिशन के कारण एक पॉलीजोनियस सोसाइटी के बराबर होती है, जैसे कि गोरिलास की हेरम सोसाइटी में। लेटोली फॉसिल ट्रैकवे, जिसे आमतौर पर ए फ्रांसिस को कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो नॉन ह्यूमन ग्रेट एप द्वारा यूज किए जाने वाले बेंट हिप बेंट नी चाल से मोर एफिशिएंट है। हालांकि यह सजेस्ट किया जाता है कि यह निशान एक्सटिंक्ट बियर एग्रियोथेरियम अफ्रीकेनस द्वारा बनाया गया था। यूज की गई मेथड के बेस पर ट्रैक मेकर्स की स्पीड का अनुमान लगाया गया है। जीवन की स्पीड 0.47, 0.56, 0.64, 0.7 और 1 मीटर पर सेकंड थी। G2 और G3 की 0.37, 0.84 और 1 मीटर पर सेकंड थी और S1 की 0.51 या 0.93 मीटर पर सेकंड है। इसका कंपैरिजन मॉडर्न ह्यूमंस से करें तो आमतौर पर ह्यूमंस 1 से 1.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। ए फ्रांसिस के पास प्रीफर्ड एनवायरनमेंट नहीं दिखाई देता है और खुले घास के मैदान या वुडलैंड्स और लेक या रिवर के किनारे फॉरेस्ट जैसी जगह में बसे हुए थे। ईस्ट अफ्रीका का प्लियोसीन प्रीसीडिंग मियोसीन की तुलना में वार्म और वेट था, जिसमें फ्लोरल फोनल और जियोलॉजिकल एविडेंस के बेस पर ड्राई सीजन लगभग 4 मंथ तक रहता था। 4 से 3 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका में आज की तुलना में बड़े बड़े कार्निवोर्स की अधिक डाइवर्सिटी दिखाई देती है और ऑस्ट्रालोपिथेसिस संभवतः इन खतरनाक जीवों का शिकार हो गया होगा, जिनमें हाइनास पेंथेरा चीतास और सेबर टूथ मेगांटेरियन डाइनोफेलिस होमोथेरियम और मेकाइरोडस इंक्लूड है। चिंपांजीज की तरह ये अक्सर 25 डिग्री सेल्सियस के एवरेज क्यूरिनल टेम्परेचर यानी औसत दैनिक तापमान वाले एरियाज में रहते थे। रात में
टेम्परेचर 10 या 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। हेदर में 3.4 मिलियन ईयर्स पहले एवरेज टेम्परेचर लगभग 20.2 डिग्री सेल्सियस था। तो ये थी जानकारी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस की। आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।